हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है संधि विच्छेद। विच्छेद पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। विच्छेद यानी कि तोड़ना, किसी चीजों को टुकड़ों में बांटना। और संधि विच्छेद में हम करेंगे कि किसी भी शब्द को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी कि उस शब्द में जो मात्राएं आई हुई हम वो मात्राएं अलग अलग करके लिखेंगे। इसमें पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि अगर कोई मात्रा है तो आप पहचान लोगे कि इसमें आ की मात्रा है या छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, पर अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तब क्या होता है, तब उस व्यंजन के अंदर ए छुपा होता है। कैसे, वो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए कुछ शब्द लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा विराम। इसमें हमारे तीन व्यंजन है, एक है व, दूसरा है रे और तीसरा है मैं। ये तीन हमारे व्यंजन है। इसके अलावा जो मात्राएं हैं, जैसे कि ई की मात्रा और आ की मात्रा, वो हमारी स्वर की मात्राएं हैं। तो पहले मैं आपको स्वर होते क्या हैं। स्वर होते हैं हमारे ए से अंग तक जो शब्द होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं। उसके बाद जो कै से हमारे शब्द अक्षर स्टार्ट होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो चलो ये तोड़ते हैं। सबसे पहले हमारा व, आपको नीचे ये निशान जो होता है जिसे हम हलंत बोलते हैं वो लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो अक्षर है अभी आधा है, ये अक्षर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे आप लिखते हो ना कि आधा हुआ है, आधा है, उस तरीके से ये अक्षर हमारा भी आधा है। वह में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो लिखेंगे ई। फिर नेक्स्ट कौन सा है, रे, रे। नेक्स्ट कौन सा है, रे में कौन सी मात्रा है, आ, तो आ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मैं, मैं में कौन सी मात्रा है, कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस व्यंजन में कोई भी मात्रा ना हो उसके अंदर कौन होता है, ए। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बाकी तो आप पहचान सकोगे किसमें कौन सी मात्रा है और कौन सी मात्रा नहीं है। बस कि जिसमें अगर कोई मात्रा नहीं आई हो तो वो क्या है, हमारा ए। अगला देखिए, ओ, रे, ते। अब इसमें देखिए औरत में क्या है। सबसे पहले आपका जो स्वर आया है इसमें, व्यंजन नहीं आया ओ, तो मैं आपको बताऊं कि स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। मैं आपको देती हूँ कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं उनके टुकड़े नहीं होते हैं, सिर्फ व्यंजन के टुकड़े होते हैं। यानी कि अगर आपका कोई स्वर आ गया है तो आप उसको नहीं तोड़ोगे। जैसे ये ओ है तो आप इसे नहीं तोड़ोगे, इसे पूरा का पूरा ही लिखोगे इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट अक्षर कौन सा है, रे। रे को तोड़ोगे, रे में कोई मात्रा है नहीं है, तो नहीं है तो कौन है उसके अंदर, ए। उसके बाद ते, ते में कोई मात्रा है नहीं है, तो कौन है उसमें, ए। इस तरीके से आप अपने शब्दों को संधि विच्छेद करोगे। नेक्स्ट चिड़िया। नेक्स्ट क्या है हमारा, चिड़िया। छ, छ में किसकी मात्रा है हमारी,
सूरज। से कौन से की मात्रा है ये? बड़े ओ की मात्रा। तो पहले से बड़े ओ की मात्रा, फिर हमारा रे, रे में कोई मात्रा नहीं तो कौन है उसमें ए, उसके बाद जे, जे में कोई मात्रा है नहीं है तो कौन उसके अंदर ए। इस तरीके से आप अपने शब्दों को संधि विच्छेद करेंगे। तो मैं आपको कुछ दो शब्द दे रही हूं जिन्हें आपको कमेंट में मुझे इनके आंसर सेंड कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये आए हैं या नहीं आए हैं। पूजा और तरीका का संधि विच्छेद करके आप मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्हें सीख सके। थैंक यू।